हेलो फ्रेंड्स, जब भी आपकी बाइक अच्छा माइलेज ना दे या कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो, कार्बोरेटर लीकेज हो, बार बार मिसिंग का प्रॉब्लम आए, तो उसका मतलब ये है कि आपका कार्बोरेटर सर्विस मांग रहा है। ये है हमारी हीरो पैशन एक्स प्रो और आज हम इसका कार्बोरेटर की सर्विस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्बोरेटर की सर्विस के लिए सबसे पहले हमें ये वाला साइड पैनल खोलना होगा और अंदर भी एक स्क्रू आता है जिसको खोलने के लिए हम सीट को अनलॉक कर देंगे और यहाँ से फ्यूल की पाइप को भी हटा देंगे और कॉक ऑफ कर देंगे। साइड पैनल हमने खोल दिया है और अभी हम कार्बोरेटर को निकालेंगे। इसके लिए ये क्लैंप खोलना होगा, ये भी खोलना होगा, ये ऊपर से एक्सेलरेटर का पिस्टन भी निकालना होगा और फ्यूल की पाइप भी हमें अलग करनी पड़ेगी। फाइनली हमारा कार्बोरेटर बाहर आ गया है और बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कार्बोरेटर है। अभी इसको खोलने से पहले हम बाहर की इसकी जितनी भी बॉडी है ब्रश से अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि बाहर का कचरा खोलने के बाद अंदर ना जाए। कार्बोरेटर को हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अभी ये और ये वाला, ये दो फिलिप्स हेड स्क्रू खोलेंगे और जो फ्लोट चैम्बर है उसको खोलेंगे और अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उसको क्लीन करेंगे। पहले जहाँ पे भी गई थी ये गाड़ी सर्विस के लिए, तो ओवरफ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड गैसकेट लगा के रोकने की कोशिश की है, लेकिन लिक्विड गैसकेट को इतना इजीली नहीं लगा सकते। लगाने के बाद पूरी राख सुखाना पड़ता है तभी वो जमता है, वरना वो भी लीकेज हो जाता है और पेट्रोल से पिघल जाता है। मेरे पल्सर 180 में भी मैंने यही जुगाड़ किया है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए लेकिन आज तक लीक नहीं हुआ। मैंने पूरी रात सूखने दिया था। अभी हम ये सब कुछ क्लीन करेंगे, ये सारे जेट निकालेंगे, फ्लोट को निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। यहाँ पे नया गास्केट लगाना होगा लेकिन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने लिक्विड गास्केट ट्यूब को लगा के इसको साइड पे रख दिया है सूखने के लिए। तब तक हम इसको क्लीन करेंगे। इसको थोड़ी देर धूप में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, फाइनली हमें ये सारे जेट खोल दिए हैं और इसको पेट्रोल से भी साफ कर सकते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, लेकिन हम इससे क्लीन करेंगे जॉरिक 88। इससे अच्छा सा क्लीन हो जाएगा और इसके जितने भी होल होते हैं, जैसे कि ये है, ये है, ये सब कुछ हम इससे ही क्लीन करेंगे। अभी हमारे सारे जेट क्लीन और ड्राई हो गए हैं, तो इस सभी को हम कार्बोरेटर में फिर से इंस्टॉल करेंगे। कार्बोरेटर तो हमने रेडी कर दिया है, सारे जेट लगा दिए हैं और फ्लोट भी फिक्स कर दिया है, लेकिन इसे भी साफ करना है उतना ही ज़रूरी है जितना कार्बोरेटर को साफ करना ज़रूरी है। और इसे भी एकदम क्लीन कर दीजिए ताकि गाड़ी अच्छे से चले। ये वाला धूप में सूख गया है और गर्मा गर्म हो चुका है। अभी इसे हम कार्बोरेटर में असेंबल कर देंगे और कार्बोरेटर को अपनी जगह पे लगा देंगे। फाइनली हमारा कार्बोरेटर गाड़ी में लगने के लिए रेडी है। और एक ख़ास बात आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे ये वाली साइड पे, ये साइड पे
निशान बने हुए हैं जो इसके अंदर जाएंगे, मतलब ये स्लाइड लगाते वक्त ये चीज़ का खास ध्यान रखिए। और जब भी कार्बोरेटर को फिर से लगाएं, ये दोनों रबर पार्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ग्रीस लगा दीजिए ताकि इजीली फिक्स हो जाए, हमें मेहनत भी कम पड़े और ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर ये रबर डैमेज ना हो। दोस्तों फाइनली हमारा कार्बोरेटर लग गया है अपनी जगह पे, और ये होता है इंटेक मैनिफोल्ड। और अगर यहाँ का कनेक्शन ढीला रहेगा या फिर ये रबर पुराना हो गया है और अच्छे से टाइट नहीं बैठ पाता है तो इंजन अच्छे से पेट्रोल को खींच नहीं पाएगा और यहाँ से वैक्यूम लीकेज होगा और एयर खींचेगा और गाड़ी बार बार बंद पड़ जाएगी लो आरपीएम पे। अच्छा पिकअप भी नहीं मिलेगा और अच्छा माइलेज भी नहीं मिलेगा। अगर ये वाला ढीला रहेगा तो अंदर धूल जाएगी, ये भी एक टाइम पे ढीला रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन ये वाला कभी भी ढीला मत छोड़िए। और अगर ये वाला रबर आपको लगता है कि बहुत हार्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो इसे जल्द से जल्द बदल दीजिए। कार्बोरेटर अपनी जगह पे लग गया है और गाड़ी हमारी चालू हो गई है। देखिए